बुधवार को मुंबई में रिपब्लिक भारत न्यूज टीवी चैनल के प्रमोटर और प्रख्यात पत्रकार अर्णब गोस्वामी को जिस प्रकार मुंबई पुलिस द्वारा उनके निवास से गिरफ्तार कर असंवैधानिक व्यवहार किया गया, जिससे देश के चौथे स्तंभ के सम्मान को ठेस पहुंची है और ये कृत्य न सिर्फ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करने जैसा है अपितु संपूर्ण मीडिया तंत्र पर हमला है। जो अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार कर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यह तानाशाही से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रेस की आजादी समाप्त की जा रही है। प्रतिशोध की दृष्टि से अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध जो मामले निकाले जा रहे हैं, वह प्रेस की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन के समस्त साथियों ने इसका विरोध किया एवं माननीय राष्ट्रपति से निवेदन किया कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही करे। अभी कल जो एक घटना आर भारत चैनल के प्रमुख अनवर गोस्वामी के साथ हुई है, उस घटना को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में कहीं न कहीं अधिकारियों की और कुछ सरकारों की मनमानी चल रही है, जो प्रेस पर और प्रेस की जुबान पर ताला लगाना चाहते हैं। लेकिन ये कभी होगा नहीं। 1975 से आपातकाल से अभी तक कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि प्रेस पर ताला और प्रेस के हाथ बांधने का जो कुप्रयास किया गया वो सफल नहीं हुआ है। कल भी महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से गोस्वामी जी पर अत्याचार मनमानी करके उन पर जो कार्रवाई की गई है वो उचित नहीं है। ये जरूर है कि कानून से कोई भी ऊपर नहीं है, ना तो मीडिया है ना कोई जनप्रतिनिधि है, लेकिन बदले की भावना से काम करना, जो कार्य अभी महाराष्ट्र की सरकार के इशारे पर हुआ है वो पूरे देश ने देखा है और महाराष्ट्र की जनता नहीं, उस प्रकरण पर पूरे भारत में आंदोलन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं और मांग की जा रही है कि ऐसी जो कुप्रथा प्रारंभ हुई है वो कुप्रथा बंद होना चाहिए और प्रेस की जो अपनी आज़ादी है उस आज़ादी में प्रेस अपना काम करती है। और एक और तो ये कहा जाता है कि चौथा स्तंभ प्रेस है, लेकिन उस स्तंभ को ढहाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसी संदर्भ में आज यूनाइटेड प्रेस क्लब के सब साथियों ने यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी गोविंद दुबे जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है और पर सख्त कार्रवाई करने का लिखा है। हम सब लोग भी यही मांग करते हैं कि प्रेस का काम लिखना है, प्रेस का काम छापना है, प्रेस का काम सच्चाई को जनता के समक्ष लाने का है, लेकिन उसे दबाने का जो प्रयास करेगा उसे प्रेस द्वारा कभी नहीं छोड़ा जाएगा और जनता भी माफ नहीं करेगी। प्रेस क्लब द्वारा ज्ञापन दिया गया है तो क्या है? ये अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया है, उसे प्रॉपर चैनल के द्वारा जो है प्रेषित किया गया। जिस प्रकार मुंबई पुलिस द्वारा उनके निवास से गिरफ्तार कर असंवैधानिक व्यवहार किया गया, जिससे देश के चौथे स्तंभ के सम्मान को ठेस पहुंची और यह कृत्य न सिर्फ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करने जैसा है अपितु संपूर्ण मीडिया तंत्र पर हमला है, जो मुख्यमंत्री गोस्वामी को गिरफ्तार कर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यह तानाशाही से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि देश की आज़ादी समाप्त की जा रही है। प्रतिशोध की दृष्टि से अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध जो मामले निकाले जा रहे हैं वो प्रेस की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन के समस्त साथी विरोध करते हैं एवं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं एवं भारत सरकार को बर्खास्त कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। अतः सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार दोनों ही अर्णब गोस्वामी के मामले में शीघ्र जान लेना चाहिए।